हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट कंफ्यूज्ड वर्ड पेयर्स। मोस्ट कंफ्यूज्ड वर्ड पेयर्स क्या होता है? वो पेयर जो अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि भाई उनको हम कैसे, उनके बीच का डिफरेंस करेंगे और दोनों में हम यूज़ भी कैसे करेंगे, यूज़ भी देखेंगे कि हम उनका यूज़ क्या करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप कहिएगा हाँ सर, मोस्ट कंफ्यूज्ड वर्ड पेयर्स की लिस्ट को और आगे बढ़ाइए और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाइए, तो फिर मैं और भी सीरीज इसकी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते। देखिए आज हम क्या क्या कन्फ्यूज पेयर्स होंगे हमारे, हमें आज पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, इंटरफेयर और इंटरवीन क्या होता है, बोरो और लेंड क्या होता है, एश्योर और इंश्योर में क्या डिफरेंस है, पर्सनल एंड पर्सोनल में क्या डिफरेंस होता है, डिस्पाइट और ऑल्दो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आइए हम इसके डिफरेंस को समझते चलते हैं। देखिए सबसे पहला जो डिफरेंस है हमारा, जो हमारे सामने लिखा है, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब होता है पूरक। पूरक समझते हैं, पूरक का मतलब होता है जब कोई दो चीज एक दूसरे को सपोर्ट करे, जब कोई भी दो चीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करेगी तो वहाँ आप कॉम्प्लीमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जीन्स पहनते हैं, ठीक है। अब जीन्स को कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, आप मुझे बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जीन्स को कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, स्पोर्ट शूज करेगा, ठीक है, स्पोर्ट शूज करेगा या फॉर्मल शूज करेगा, बताइए आप मुझे। अगर आप जीन्स पहनते हैं तो जीन्स पे क्या अच्छा लगेगा, स्पोर्ट शूज या फिर फॉर्मल शूज? तो जाहिर सी बात आप कहेंगे नहीं सर, जीन्स पे तो स्पोर्ट शूज सही लगेगा। तो स्पोर्ट शूज जीन्स को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब सपोर्ट करना है एक तरह से, और ये कॉम्प्लीमेंट है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ, यानी जब आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, जैसे आपने बोला यू आर लुकिंग हैंडसम, जैसे आपने बोला यू आर लुकिंग हैंडसम, तो ये इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट के बीच आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो आइए ये आइए मैं आपको कुछ स्टेटमेंट के थ्रू समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर वन, जैसे ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आई कॉम्प्लीमेंटेड माई सिस्टर ऑन हर डिलीशियस कुकिंग, यानी उसके शानदार खाना बनाने पे, अपनी बहन के शानदार खाना बनाने पे मैंने उसे क्या किया, कॉम्प्लीमेंट दिया। कॉम्प्लीमेंट दिया मतलब उसकी तारीफ करी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने कहा आई गेव माई फ्रेंड अ कॉम्प्लीमेंट ऑन हिज न्यू कार, मैंने अपने दोस्त को उसके नए कार पे क्या किया, तारीफ की या बधाई दिया, ठीक है। तो ये वर्ड कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये देखिए, माय ब्लू टाई रियली कॉम्प्लीमेंट्स माय व्हाइट शर्ट, यानी जो मेरी ब्लू टाई है, ठीक है, वो मेरे व्हाइट शर्ट पे बहुत अच्छी लगती है, यानी कॉम्बिनेशन व्हाइट शर्ट और ब्लू टाई, यानी ये जो मेरा कॉम्बिनेशन है, जैसे मेरा कॉम्बिनेशन व्हाइट शर्ट और ब्लू टाई, ठीक है, व्हाइट शर्ट और ब्लू टाई, यानी ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, यानी दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और जब ये आई वाला होगा, ठीक है, तो वो तारीफ होता है, कॉम्प्लीमेंट देखिए आई, ये तारीफ होगा, और जब ई होगा तो एक दूसरे के पूरक, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला। अब जैसे मैंने कहा ब्रेड एंड बटर कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर, तो ब्रेड एंड बटर एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, मतलब ब्रेड के साथ बटर भी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। अगला देखिए ये एग्जांपल, दिस कार विल कॉम्प्लीमेंट योर पर्सनालिटी, यानी ये कार जो है तुम्हारी पर्सनालिटी को क्या कर रही है, कॉम्प्लीमेंट दे रही है, यानी ये कार तुम्हारी पर्सनालिटी में बहुत सूट कर रही है। तो ये डिफरेंस होता है आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एंड इस कॉम्प्लीमेंट्स में, ठीक है। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू, ये दोनों क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा डिस्पाइट ऑल्दो, ठीक है। देखो डिस्पाइट और ऑल्दो को अगर हम समझेंगे तो डिस्पाइट जो होता है ना बेटा, ये एक प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के साथ कुछ रूल होता है भाई। प्रीपोजिशन की बात अगर हम प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो प्रीपोजिशन के बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है या फिर हम नाउन का यूज करते हैं, ठीक है। जो आईएनजी फॉर्म होगी ये जिरंड कहलाती है, ठीक है। लेकिन ऑल्दो जो होता है ना, ऑल्दो ये एक कंजंक्शन होता है, ये एक कंजंक्शन होता है, तो हमसे याद रखना जब भी ऑल्दो की बात आएगी, ठीक है, तो
ऑल्दो जो होगा, ऑल्दो के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, यानी पूरा एक क्लॉज होगा, ठीक है। सो क्लियर है। अब आइए इसको हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए, मैंने कहा डिस्पाइट द रेन वी स्टिल हैड अ गुड टाइम, यानी रेन के बावजूद भी, यानी यद्यपि, अब डिस्पाइट मतलब भी इसके बावजूद भी, ठीक है, और ऑल्दो का मतलब भी वही होता है। अब डिस्पाइट द रेन यानी यद्यपि बारिश थी या बारिश के बावजूद भी वी स्टिल हैड गुड टाइम, हमने अच्छा समय बिताया। तो देखिए यहाँ द रेन क्या है, नाउन है। अगला देखिए, डिस्पाइट हैविंग गुड कॉन्टैक्ट्स, अच्छे कॉन्टैक्ट्स के बावजूद भी शाहरुख खान कुड नॉट गेट हिज सन्स बेल, शाहरुख खान को अपने बेटे की जमानत नहीं मिली। तो देखो ये हो गया डिस्पाइट हैविंग, तो डिस्पाइट के बाद देखो ये वर्ब क्या है, एनजी फॉर्म, यानी ये जिरंड है, और यहाँ क्या है, नाउन है। तो डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद या तो नाउन आएगा, ठीक है, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, ठीक है, आप देखिए ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, यद्यपि बारिश हो रही थी, ठीक है, यानी बारिश होने के बावजूद भी वी स्टिल हैड अ ग्रेट टाइम, हमने बहुत अच्छा समय बिताया। तो ये भी देखिए कंट्रास्ट को बता रहे हैं, लेकिन ऑल्दो के बाद इट वॉज रेनिंग, ये पूरा क्लॉज है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, येट ही इज हैप्पी, फिर भी वो खुश है। तो आप देख पा रहे हैं, तो डिफरेंस यही है कि जो ऑल्दो होता है, ठीक है, ऑल्दो एक कंजंक्शन होता है, ठीक है, जिसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन होता है जिसके बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर नाउन आएगा। तो ये डिफरेंस होता है। सो आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा, आगे देखते हैं। अब देखिए एश्योर और इंश्योर में क्या डिफरेंस समझिए, एश्योर एंड इंश्योर। देखिए एश्योर है, एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, यानी जब आप किसी को भरोसा दिलाते हैं तो वहां हम यूज करते हैं एश्योर। और इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, यानी अगर कोई चीज़ होने वाली है तो उसे बहुत ध्यान से आप देख लीजिए कि सही होने वाली है या गलत होने वाली है, उसे हम कहते हैं इंश्योर करना। अब जैसे एग्जांपल समझिए, हालांकि मैंने लिख भी दिया है, देखिए टू एश्योर समवन मींस टू रिमूव डाउट और रीअश्योर देम, यानी जब आप किसी को एश्योर कर रहे हैं यानी उसके पूरे डाउट्स को आप क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ठीक है। व्हाइल इंश्योर मींस टू मेक सर्टेन दैट समथिंग हैपेंस, और इंश्योर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को निश्चित कर लेना जो चीज़ होने वाली है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे जब आप पेट्रोल भराने जाते हैं, ठीक है, तो जब आप पेट्रोल भराने जाते हैं तो पेट्रोल वाला क्या कहता है आपसे, पेट्रोल भरने वाले की, ऐसा है कि मीटर देख लीजिए, क्या कहता है, मीटर देख लीजिए कि मीटर जीरो से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो आपने जब मीटर देखा कि वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो आपने एश्योर किया कि इंश्योर किया, बताइए भाई, आपने यहाँ इंश्योर कर दिया, इंश्योर किया कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है। लेकिन एश्योर का मतलब क्या होता है, एश्योर का मतलब होता है कि भरोसा दिलाना। जैसे आपने, आप किसी कोचिंग में गए और कोचिंग में आपने कहा कि भाई यहाँ पढ़ाई वढ़ाई तो अच्छी होती है ना, तो सामने वाला लड़का, नहीं नहीं बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, आप एकदम निश्चिंत रहिए, तो उसने आपको एश्योर किया, क्या किया, एश्योर किया यानी भरोसा दिलाया। अब जैसे देखिए दो स्टेटमेंट याद दिया है, आई डैश हिम दैट ही वुड बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, तो मैंने उसे क्या किया, उसे पार्टी में इन्वाइट किया जाएगा, तो मैंने उसे क्या किया, मैंने उसे एश्योर किया, आई एश्योर्ड हिम, यानी उसे भरोसा दिलाया कि भाई पार्टी में तुम्हें इनवाइट किया जाएगा। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, प्लीज दैट यू गेट टू द पार्टी ऑन टाइम, यानी भाई कंफर्म करो कि तुम पार्टी में समय पे आओगे कि नहीं आओगे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इंश्योर करोगे, यहाँ पे होगा प्लीज इंश्योर दैट यू गेट टू द पार्टी ऑन टाइम। तो ये डिफरेंस होता है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, आगे देखते हैं। अगला है पर्सनल एंड पर्सोनल। देखिए पर्सनल और पर्सोनल क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, ठीक है, जैसे व्यक्तिगत में मतलब, जैसे आपने कहा मैं पर्सनली जाके उन्हें बताऊंगा, पर्सनली जाके बताऊंगा मतलब खुद जाऊंगा, तो पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत। अब जैसे देखिए पर्सनल डिटेल्स क्या होता है, पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम आएगा, एज आएगा, नेशनैलिटी आएगा, ये सब पर्सनल है। लेकिन पर्सोनल क्या होता है, पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉइज, यानी किसी कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं उसे हम कहते हैं पर्सोनल। तो देखिए दोनों में डिफरेंस होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, कह रहा बी केयरफुल विद योर पर्सनल डिटेल्स ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पे अपने पर्सनल डिटेल्स के बारे में बहुत आप क्या रहेंगे भाई, केयरफुल रहिए, या स्पेशली जब कोई आपको फोन करता है और आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह के बारे में पर्सनल डिटेल्स मांगता है, तो उससे आपको क्या करना है, केयरफुल रहना है, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, दिस कंपनी हैज अ ग्रेट पर्सोनल, दे ऑल वर्क टुगेदर, यानी इस
कंपनी के पास बहुत अच्छे कर्मचारी हैं और वे मिलकर बहुत मेहनत से काम करते हैं, तो यहाँ हो गया पर्सोनल, समझ वाली बात। तो ये डिफरेंस होता है पर्सनल एंड पर्सोनल में। तो अब एक बात बताइए, आप सब एग्जाम की तैयारी करते हैं और IBPS है, आपको पता है IBPS का फुल फॉर्म क्या होता है? IBPS का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन। तो ये पी स्टैंड फॉर पर्सोनल, लेकिन लोग इसको पर्सनल समझते हैं। देखिए भाई, पर्सनल नहीं है ये, पर्सोनल है, ठीक है। सो आई होप आपको पर्सनल एंड पर्सोनल क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरफेयर एंड इंटरवीन, बहुत जबरदस्त हुआ। एक्चुअली इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, इंटरफेयर जो होता है ना बेटा, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। किस सेंस में यूज होता है? नेगेटिव में। और इंटरवीन जो होता है ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। अब आप कहोगे सर हस्तक्षेप नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है, हस्तक्षेप करना तो नेगेटिव ही होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ लिखा है मैंने, इंटरफेयर इज यूज इन नेगेटिव सेंस, इंटरफेयर हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, वाइल इंटरवीन इज यूज इन पॉजिटिव। और इंटरवीन किस में यूज करते हैं? पॉजिटिव सेंस में। अब जैसे देखिए कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई इंटरव्यूअर है और वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो अगर वो आपका इंटरव्यू ले रहा है और आप बीच में बोल दे रहे हैं तो आप इंटरफेयर कर रहे हैं, समझ मेरी बात। और अगर मान लीजिए आपका दोस्त है, ठीक है, उसके दोस्त को ड्रग्स वो लेने लगा, तो ड्रग्स लेने लगा तो आप उसको रोक रहे हैं, तो आपको, आप इस आदत में इंटरवीन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरवीन कर रहे हैं। तो इंटरवीन पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं और इंटरफेयर नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए पहला स्टेटमेंट में लिखा है, वी शुड नॉट इंटरफेयर व्हेन एल्डर्स आर टॉकिंग, यानी जब बड़े लोग बात कर रहे हैं तो हमें इंटरफेयर नहीं करना है। दूसरा देखिए, ही ऑलवेज इंटरफेयर्स इन माई मैटर, वो हमेशा मेरे मैटर में दखलअंदाजी करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, हर मदर इंटरवीन्ड व्हेन शी न्यू अबाउट द ड्रिंकिंग हैबिट्स ऑफ हर सन, तो उसकी माँ ने क्या किया, हस्तक्षेप किया जब उसे पता चला कि उसके बेटे की पीने की आदत है, तो यहाँ इंटरवीन्ड है। तो आई होप आपको इंटरफेयर और इंटरवीन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब अगला देखते हैं, बोरो और लैंड। बोरो और लैंड में ये तो बहुत आसान है। एक्चुअली इसमें मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए हमसे याद रखना, ये जो वर्ड है बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, यानी जब आप उधार ले रहे हैं तो आप बोरो कर रहे हैं, लेकिन जब आप उधार दे रहे हैं, और उधार सिर्फ पैसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकता है, कुछ भी, तो उसे कहते हैं लैंड। अब जैसे आपने बोला आई हैव बोरोड 5,000 rupees from my friend, तो मैंने अपने दोस्त से क्या किया है, 5,000 rupees उधार लिए हैं। अब अगर आपने कहा आई हैव lent 6,000 rupees to my friend, इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने दोस्त को 6,000 rupees दिए हैं, तो ये डिफरेंस होता है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो बोरो है, बोरो अपने साथ फॉर्म लेता है, क्या लेता है? फॉर्म। लेकिन जो लैंड है, लैंड के साथ आएगा तो टू आएगा, क्या आएगा? लैंड के साथ टू आता है, तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो भाई ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी था। तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया आज डिफरेंस? तो हमने आज पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, इंटरफेयर इंटरवीन क्या होता है, बोरो लेंड क्या होता है, एश्योर इंश्योर क्या होता है, पर्सनल पर्सोनल क्या होता है, डिस्पाइट ऑल्दो क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब सपोर्ट करना, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ करना, इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप करना, इंटरवीन मतलब भी, लेकिन ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। बोरो का मतलब होता है उधार मांगना, और लैंड मतलब होता है उधार देना। एश्योर मतलब विश्वास दिलाना, और इंश्योर का मतलब किसी चीज़ को कन्फर्म करना, सुनिश्चित करना। पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, और पर्सोनल मतलब होता है कर्मचारी। डिस्पाइट मतलब भी यद्यपि, और ऑल्दो मतलब भी यद्यपि, हाँ मतलब दोनों का मतलब इसके बावजूद भी, लेकिन ये प्रीपोजिशन है और ये कंजंक्शन है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। भाई आपको क्लास अगर अच्छी लगी है, आप चाह रहे हैं कि इस तरह के मैं सीरीज़ और आगे बढ़ाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।